नमस्कार, जय साईं राम। मैं बृजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। ये चैनल आपका अपना चैनल है, आप जानते हैं। प्रतिदिन मैं एक नया विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूं, तो आज नया विषय लेकर मैं हाजिर हूं। तो आइए सुनते हैं आज का नया विषय। जय साईं राम। अब हम बात करेंगे 26 जून 2020 के उपाय की। शुक्रवार का दिन है। 26 जून अपने आप में एक महत्व रखती है, क्योंकि 26 जून को शुक्रवार जब जब आएगा, आपकी ज़िंदगी में एक विशेष लाभ होने के संकेत बनेंगे। आप जानते हैं कि हम जब जब उपाय करते हैं, तब तब हमारे कर्म बनते हैं। जब जब हम किसी को दान देते हैं, तो परमात्मा हमसे प्रसन्न होते हैं, ग्रह चाल शांत होते हैं। उसी दिशा में, यानी जब हम किसी ग्रह से संबंधित वस्तुएं दान करते हैं, तो उसी दिशा में वाइब्रेशन हमारी तरफ बहती है, जिससे कि फिर हमारा वह ग्रह उच्च का हो जाता है, और यदि वो नुकसान करना चाहे तो कर नहीं पाता है। जैसे हम शुक्रवार का दिन है, दही दान करेंगे, तो क्या होगा कि दही दान करने से शुक्र की वाइब्रेशन बहेगी, जो हमारी बॉडी में जाएगी, जिससे हमारे शुक्र उच्च के हो जाएंगे। कई बार मैं आपको कहता हूँ, प्राइवेट पार्ट्स दही से धो लीजिए। उसका कारण ये होता है कि हमारे शरीर से बहुत सारी नेगेटिव वाइब्रेशन बहनी होती है, जिसे रोकना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हम फिर वो प्राइवेट पार्ट्स धोते हैं तो वाइब्रेशन रुकती है, जिससे जीवन साथी को सुख मिलता है और हम भी रोग से बचते हैं। तो आइए आज का उपाय बता दूं। आज हमने दही दान करना है, लेकिन दही के साथ साथ चावल, कच्चे चावल भी दान करने हैं। दोनों चीज़ें अलग अलग दान कीजिए, जल प्रवाह कीजिए, किसी धर्म स्थान में दीजिए। अब बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि ये दान किसको करना होता है। ये दान गरीब व्यक्ति को करना होता है, वृक्ष के पास भी रख सकते हैं, जल प्रवाह भी कर सकते हैं। कई लोगों के मैं जवाब इसलिए नहीं दे पाता कि उन्होंने सेम डे के जो सवाल होते हैं, मेरा जो उपाय होता है उसके बारे में पूछा होता है, और मैं लेट देखता हूँ, तो फिर उसका जवाब देने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए गुस्सा मत किया करें, और जिनको कभी जवाब नहीं मिला है वो भी गुस्सा मत करें, आप फिर से सवाल करें, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे, सभी को जवाब देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको जवाब ना मिले, लेट मिले मिलेगा ज़रूर। तो अब मैं कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो सभी मिलती रहें। अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको कोई समस्या है, जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे, तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। जन्म कुंडली दिखाने की फ़ीस 700 रुपये होती है, जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। 700 रुपया आपसे लेते हैं, तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है, वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी। जवाब उसका आपके जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा। साधारण जन्म कुंडली है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि कोई योग है, कोई प्रॉब्लम है कुंडली में, तो समय लग जाता है, क्योंकि हम आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया लाभ हो ना हो। हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाभ होगा। यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय जरूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं। हाँ, लाभ आपको अवश्य होगा, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें, जो आप चित्र भेज देते हैं, फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं, वो मत भेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें आप भगवान का नाम लिखकर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी,
फालतू का मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है। और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिखकर 5 मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है, पता ही नहीं चलता, और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है, हम उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, और फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। 9814450802 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी नंबर है, पेटीएम नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है। तो आप इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। Oh.